जायसवाल महिला विकास समिति द्वारा मंगलवार को आया सावन झूम के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष रीना जायसवाल के नेतृत्व में पार्क रोड स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में किया गया। इस दौरान गीत संगीत के बीच तीज सौंदर्य प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने हरे रंग की साड़ियों में सावन और तीज के गानों पर हर उम्र की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धारा 370 के खत्म होने की खुशी में महिलाओं ने चूड़ी भी जिद पर आई। पायल ने शोर मचाई पर खूब जमकर धमाल मचाया और जश्न मनाया। इस दौरान सभी महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इसकी बधाइयां दी। कार्यक्रम में संरक्षिका अंजू जायसवाल, उषा गीता जायसवाल, सविता मीना जायसवाल, इंदु निरुला, शशि प्रभा, सीमा सीता जायसवाल, बबली जायसवाल, तनुश्री रागनी गुप्ता, बाला जायसवाल, विभा व अन्य समिति की महिलाएं शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुनी संवाददाता से बात करते हुए विनीता जायसवाल ने कहा, लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है। विनीता जायसवाल, ये बेसिकली सावन का कार्यक्रम है और ये सावन में जो नृत्य होती हैं सजना सवरना और जो हमारा ट्रेडिशन चला आया है सावन महोत्सव का, तो हम महिलाएं ये एक साथ मिलकर और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये बहुत पावन महीना होता है जिसमें पूजा पाठ के अलावा हमें साज श्रृंगार और तीज मनाना बहुत आवश्यक रहता है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित होकर और ये त्यौहार मना रहे हैं। हाँ, इसके जरिए बहुत ज़रूरी है ये बताना कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हमें अपने मिट्टी से जुड़े रहने का पूरा अधिकार है और होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे हमारी बेटियां ये सीखें कि सावन महोत्सव बहुत ज़रूरी है, हमारे जो भी धर्म है चाहे संस्कृति है उसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसी में हमारी भलाई और हमारे संस्कार भी यही कहते हैं।